गगन के पास इतने घोड़े हैं यहाँ पर घोड़ों के ये जो पिक्चर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि गगन के पास कुल कितने घोड़े हैं पता लगाएं है कि नीचे दिए गए हर चित्र में घोड़ों की संख्या गगन के पास जितने घोड़े हैं उनसे कम है ज़्यादा है या बराबर है तो हमें यहाँ पर घोड़ों के अलग अलग चित्र दिए हुए हैं हमें पता लगाना है कि गगन के पास कुल जितने घोड़े हैं वो इन घोड़ों से कम है ज़्यादा है या बराबर है तो इसके लिए पहले तो ये देख लेते हैं कि गगन के पास कितने घोड़े हैं तो गगन के पास है एक दो तीन चार पाँच छः घोड़े तो गगन के पास कुल हैं छः घोड़े अब बारी बारी से चलिए हर एक चित्र को यहाँ पे देख लेते हैं तो अगर हम इस नारंगी फ्रेम वाले पिक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास हैं एक दो तीन चार पाँच छः घोड़े तो यहाँ पर हमारे पास ठीक छः घोड़े हैं और गगन के पास भी छह घोड़े हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन जितने ही घोड़े हैं यानी कि इसके नीचे हम लिख देंगे कि ये वाला जो चित्र है ये गगन के घोड़ों के बराबर है फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हैं एक दो तीन चार घोड़े तो चार घोड़े ये तो छ से कम है तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन की घोड़ों की तुलना में कम घोड़े हैं फिर अगर हम यहाँ पर देखें अब हमारे पास है एक दो तीन चार और यहाँ पर भी एक दो तीन चार घोड़े हैं तो चार और चार कुल मिलाकर आठ घोड़े हैं हमारे इस चित्र में तो आठ ये तो छः से ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में ज्यादा घोड़े हैं फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास हैं एक दो तीन चार पाँच घोड़े और पाँच ये तो छः से कम होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में कम घोड़े हैं और अगर हम अपने इस आखिरी वाले चित्र को देखें तो यहाँ ऊपर में हमारे पास हैं एक दो तीन चार पाँच घोड़े और नीचे में हमारे पास एक दो तीन चार पाँच घोड़े हैं यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास हैं दस घोड़े एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और दस ये तो छः से ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में ज्यादा घोड़े हैं